अस्का रफीक, मैं फोर्थ सेमेस्टर से वुमेंस कॉलेज, और हमने आज रैली निकाल ली है ड्रग अब्यूज़ पे। आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ड्रग के केसेस आ रहे हैं, जहाँ गली हर गली कोची में देखा जा रहा है कि बच्चे जो है सिगरेट ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। तो हमने ये मैसेज, हमने ये रैली इसलिए निकाली है ताकि हम बच्चों को मैसेज दें दैट ड्रग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप अगर ड्रग्स लोगे आपकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल डेटराइट हो जाएगी एंड यू विल लूज़ योर लाइफ। एट द एंड मतलब मैंने एक स्लोगन बनाया हुआ है दैट यू डोंट ग्रो यंग बिकॉज यू डाई यंग, यू डोंट ग्रो ओल्ड बिकॉज यू डाई यंग। तो आप लोग जब बड़े नहीं हो जाओगे क्योंकि आप बचपन में ही मर जाओगे। सो द थिंग इज़ हमने ये रैली इसलिए निकाली है कि आप लोग ड्रग ख़त्म करो, ड्रग का यूज़ ना करो, और सिगरेट भी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म करो, क्योंकि सिगरेट लंग्स को पूरे ख़त्म कर देता है, उसमें से वो ब्लैक टार निकलता है जो आपकी लंग्स को पूरा ख़त्म कर देता है। सो दिस इज़ अ मैसेज। तो बेटा कितने स्टूडेंट्स आज इसमें हिस्सा ले लिया? More than 200 students. तो क्या ये आगे भी आपकी तरफ से रैलीज होती रहेगी? इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी, हमारी कॉलेजेस में ऐसी रैलीज होती रहती है और आगे भी और होगी। जो यहाँ की मैनेजमेंट है उन्होंने कितना सपोर्ट किया है इस रैली के लिए? यहाँ की मैनेजमेंट में ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की तरफ से ये रैली निकल रही है और उन डिपार्टमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी वो इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करूँगी। तो बेटा क्या मैसेज रहेगी बच्चों के लिए, या अभी भी बच्चे हो तो क्या मैसेज रहेगी औरों के लिए आपकी तरफ से? तो बस मैसेज इतनी है कि ड्रग का यूज़ ना करें, ड्रग आपकी लाइफ आपकी हेल्थ पूरी ख़राब कर देता है, और सिगरेट तम्बाकू नोशी ये सारा कुछ बिल्कुल ख़राब है। गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज से अभी हमारी आज ये रैली निकली है, ये एंटी ड्रग एक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज के, ये वुमेंस कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की निकाल रही है। तो हमारा यही मैसेज है कि अगर आप ड्रग कर रहे हो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि कोई मज़े के लिए करे, किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, अब हमसे बात कीजिए। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है इसलिए निकाली क्योंकि आजकल आप थेरेपीज ले सकते हो, बात कर सकते हो, अपने काउंसलर से बात कर सकते हो, तो हम आपको हेल्प करेंगे। अपनी फैमिली से बात करें, काउंसलिंग सेशंस लें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ड्रग्स को पूरा आप ख़त्म करें क्योंकि ये बहुत बहुत और हानिकारक है। कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमने यहाँ पे रैली निकाली हुई है जो ड्रग करते हैं उनके लिए। हमारा ये फर्स्ट स्टेप है कि हम उनको अवेयर करेंगे, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सेव द विक्टम पनिश द पैडलर, तो पैडलर्स को आप पनिश करो, विक्टम्स को आप बचा लो। हम ड्रग अडिक्ट जो पर्सन, हम उनको खुद से अलग नहीं कर रहे, हम उनको बोल रहे हैं कि कम विद मी, हमारे पास आओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम उनकी प्रॉब्लम्स जानेंगे, हम उनको खुद से अलग नहीं कर रहे हैं। हमारा बस ये अपना फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद हम और स्टेप्स लेंगे। हम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। तो बेटा जो ड्रग करते हैं तो क्या आपकी तरफ से क्या रहेगा उनके लिए, क्या पैगाम है, क्या मैसेज? तो हम ये बोलेंगे कि अगर आप ड्रग करते हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप फैमिली के साथ शेयर करो, हम फ्रेंड्स हैं हमारे साथ शेयर करो, हम आपके लिए ठहरे। ये सिर्फ ये नहीं है कि वो ड्रग करते हैं वो अलग है, काउंसलिंग कर रहे हैं अपने लिए। हमारे कश्मीर में बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके लिए, हमारे टीचर्स हमें हेल्प करते हैं जो इन सबको सपोर्ट करते हैं, इनसे दूर इनको ले जाते हैं। देखिए ड्रग जो है कि इंसान को ख़त्म करती है, इंसान के सपनों को ख़त्म करती है, और साथ ही साथ जो ड्रग करते हैं वो तो जाता है उनके प्यारों को भी ख़त्म करते हैं उनके। तो बेटा कितने स्टूडेंट्स आज इसमें हिस्सा ले लिया? बहुत सारे, मतलब हमारे साथ 400 स्टूडेंट्स हैं लगभग। शायद उन पाँव था चुचुक हो गया था। वालेकुम, मेरा नाम तंजीला फ़ारूक है और मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से वुमेंस कॉलेज में पढ़ती हूँ। सो आज का जो हमारा ये इवेंट है रिगार्डिंग है तंबाकू के, और हम चाहते हैं जो हमारे आज का यंग यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा दूर रहे इस चीज़ की वजह से, और हम बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की वजह से खुश हो जाएंगे। और क्योंकि अगर हम देख सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट थिंग कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े, इवन दो फादर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे एल्डर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इसके साथ जुड़े हुए हैं।
तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी यहाँ पे लड़के हो, हमारे जो भी रिलेटिव्स हो, हम उनको इस चीज़ से दूर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हम लोगों को बताए, वो अगर उनके साथ कोई दिक्कत हो रही है वो हमें बताए कि कैसे क्या हो रहा है उनके साथ, ताकि हम उनको उस चीज़ के दूर रखें। तो रिगार्डिंग है से टू नो तम्बाकू, प्लीज़ स्टॉप बिफोर इट स्टॉप्स योर लाइफ। तो बहुत ही, इट्स नॉट जस्ट दिस थिंग, इट्स द ऑल्सो द वेस्ट ऑफ मनी। और हम चाहते हैं कि हमारे जो हमारे कश्मीर के बच्चों को बहुत ज़्यादा, बॉयज़ को स्पेशली, लड़कियों को भी, क्योंकि आजकल ना कि सिर्फ लड़के इस चीज़ के साथ मुलव्वस है, लड़कियाँ भी इस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मुलव्वस हो गई है। अगर हम सड़कों पे चलते हैं बहुत दिक्कत हो जाती है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र रखें कि वो उनके बच्चे क्या कर रहे होते हैं। थैंक यू। सर, मैं वुमेन्स कॉलेज अमीरूर में पढ़ती हूँ और मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर। तो सर, हमने आज ये रैली निकाली है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने, तो इसका यही मकसद है कि जो हमारी बाकी बहनें हैं, भाई हैं, जो इस ड्रग में जो है मुलाविस हो गए हैं, इस ड्रग के जो है आदि बन चुके हैं, हम उनसे बस ये बोलना चाहते हैं जो ये ड्रग है इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, इससे मिलना मतलब इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे जो है आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो हमारा मकसद ये है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा इशू है, मतलब उनको अगर लगता है मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व बस ही ड्रग कर सकता है, बट ये सरासर गलत है, तो वो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनके फ्रेंड्स से हमसे बात कर सकते हैं, या फिर वो अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, ये दे कैन गो रिहैब और रिहैबिलिटेशन सेंटर जा सकते हैं, तो वो वहाँ पे मतलब अपना जो है अपनी लाइफ जो है वो मतलब आज़ादी से जी सकते हैं। तो हमारी इस रैली का बस यही एक मकसद है, जो हमारी बहने भाई है उन तक हमारी ये एक मैसेज पहुँचेगी, जो ये ड्रग है इसकी वजह से जो है उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो वो मेहरबानी करें ये जो ड्रग जो है इन सब से अपने आप को आज़ाद पाए। हम जानना चाहेंगे यहाँ पे आज रैली हुई, तो ये जानना चाहेंगे इस रैली का मकसद क्या था। जी, मेरा नाम डॉक्टर इरफतारा खान है, हम हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी से हैं और गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज में हम एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। आज की जो रैली थी इट्स ऑन ड्रग्स। सो हमारा क्या इनिशिएटिव है कि हमारा जो कॉलेज है ये कैसे ड्रग फ्री इंस्टीट्यूट हम डिक्लेयर करें। सो फॉर दैट पर्पज़ दिस अवेयरनेस प्रोग्राम इन द शेप ऑफ रैली वुड पुट फॉरवर्ड इन आवर कॉलेज कैंपस एंड ऑल टाइम वट वी डू एज अ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी वुड पुट फॉरवर्ड द काउंसलिंग्स टू द पेरेंट्स टू द स्टूडेंट्स। बिकॉज आप देखिए खुद से ड्रग आजकल एक लंबी तेदारी से बढ़ रहा है। सो हमारी ये मैसेज रहेगी पेरेंट्स को भी स्पेशली कि वो एक विजिलेंट रोल प्ले करें अपने बच्चों का। कॉलेज में तो हम देखते ही हैं, सारे टीचर्स देखते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी स्पेशली वेयर अ पर्सन नीड्स अ काउंसलिंग वी गिव फॉरवर्ड द काउंसलिंग टू दो स्टूडेंट्स हु आर इन अ नीड। स्पेशली ड्रग्स का हम यही बोलेंगे कि पेरेंट्स को भी बहुत नज़र गुजर रखनी है अपने बच्चों पर। और मकसद आज का यही था कि हमारी ये अवेयरनेस पहुँचे आज के यूथ तक कि ये जो ड्रग्स है ये एक तबाही है, इससे बचे एंड फॉर दैट पर्पस प्रोटेक्ट योर ओन सेल्फ। तो मैम कितने बच्चों ने इसमें हिस्सा ले लिया? एंड इन दिस रैली नियर अबाउट मोर देन 200 स्टूडेंट्स टेक प्लेस इन दिस रैली एंड ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंग फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या मैम आने वाले फ्यूचर में ऐसे रैलीज होंगी? डेफिनेटली वी ऑलवेज पुट इनिशिएटिव्स टू पुट फॉरवर्ड सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। तो बच्चों में कितनी एक्साइटमेंट थी जो इन्होंने रैली? यू सी बाय द रैली हाउ मच एक्साइटेड आवर स्टूडेंट्स आर, हाउ मच स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क दे हैव पुट फॉरवर्ड इन द स्लोगन्स, इन द बैनर्स, इन द टेम्पलेट्स, दे हैव डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज टू मेक द सक्सेसफुल रैली। तो पेरेंट्स का कितना रोल रहता है अपने बच्चे के लिए कि उसको उस दूर से रोल रखे? एक अच्छा रोल बनता है, मगर हम रिक्वेस्ट तब भी एक पेरेंट्स से करते हैं कि नाउडेज द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड वेरी ड्रास्टिकली, सो पुट फॉरवर्ड, पुट एन आई टू अवर वर्क्स। थैंक यू सो मच।